भी सोचा है एक छोटे से कैप्सूल में सोना कितना मजेदार हो सकता है, नहीं ना? तो चलो आज जानते हैं जापान के कैप्सूल होटल्स के बारे में। जापान तो इनोवेशन के लिए मशहूर है ही, इन्होंने स्पेस की कमी का हल निकालने के लिए कैप्सूल होटल्स बनाए हैं। ये छोटे छोटे कमरे ना सिर्फ कंफर्टेबल हैं, बल्कि एकदम यूनिक और फ्यूचरिस्टिक भी लगते हैं। हर कैप्सूल में आपको बेसिक सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जैसे कि बेड, टीवी और चार्जिंग पोर्ट्स भी। अब इंडिया की बात करें, जहां हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग होता है, जहां करोड़ों लोग आत्मिक शुद्धि के लिए जुटते हैं। स्पेन का बुनोल में हर साल अगस्त में ला टोमाटीना होता है, कुछ कम नहीं है। हजारों लोग इकट्ठा होकर टमाटर फेंकते हैं और मस्ती करते हैं। इटली का वेनिस कार्निवाल भी कुछ ऐसा ही अद्भुत है। वहां 12वीं सदी से ही लोग अपने फैंसी मास्क और कॉस्ट्यूम्स के साथ इस फेस्टिवल को मना रहे हैं। अमेरिका का नेवाड़ा में ब्लैक रॉक डेजर्ट में होने वाला बर्निंग मैन इवेंट भी बहुत खास है। वहां लोग आर्ट, सेल्फ एक्सप्रेशन और कम्युनिटी के लिए एक टेम्पररी सिटी बनाते हैं। साउथ कोरिया का बोरेओंग मड फेस्टिवल भी बहुत मजेदार है। वहां लोग मड रेसलिंग और मड स्लाइड्स में खेलते हैं और इसे अपनी स्किन के लिए भी अच्छा मानते हैं। ब्राजील का रियो कार्निवाल भी दुनिया के सबसे फेमस कार्निवल्स में से एक है। वहां की सांबा परेड्स और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हर साल लाखों टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। न्यूजीलैंड की माओरी कल्चर भी बहुत रिच है। वहां के लोग अपने ट्रेडिशनल हाका डांस, वुड कार्विंग और नेचर के डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं। मोरक्को का मार्केश मेदिना भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो अपनी मेज जैसी गलियों, कलरफुल बाजारों और आर्किटेक्चरल वंडर्स के लिए फेमस है। और अंत में चीन का हरबिन आइस एंड स्नो फेस्टिवल। वहां की विशाल आइस स्कल्पचर्स और आइस थीम्ड एक्टिविटीज हर साल लाखों टूरिस्ट्स को लुभाती हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ अमेजिंग और अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली बार किसी न्यू रोमांचक जानकारी के साथ।